जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, इतना नुकसान तो विदेश भारत को नहीं पहुंचा पाई जो कहीं ना कहीं चाहे जाने अनजाने में राहुल गांधी भारत को पहुंचा चुके हैं। हेलो दोस्तों, असल में सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट निकलकर सामने आई है, सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़ी छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचा दो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, चाइना भारत का एक प्रतिद्वंदी देश है, यानी कि एक तरीके से भारत को लेके एक दुश्मन राष्ट्र है, तो वो वैश्विक मंचों में भारत की छवि खराब करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, वो एक दुश्मन राष्ट्र है तो उससे और ज्यादा कुछ उम्मीदें रखना भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के ही नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी जी जब किसी अपनी विदेश यात्रा में होते हैं तो वो भारत को लेके भारत विरोधी कुछ इस तरीके के बयान दे देते हैं जो कि भारत से बाहर इस तरीके की भारत विरोधी लॉबियों को कहीं ना कहीं मजबूत करने का कार्य करते हैं। ये सारे टेक्निकल फंडामेंट और एनालिस्ट इस तरीके के दावे कर रहे हैं और इन बातों के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बयानों में कभी कभी उनका आर्थिक वजन नहीं, जो कि भारत के इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके बयानों में आर्थिक नीतियों के विजन का ना दिखना अपने आप में एक चिंता का विषय है कि यदि वे कभी सत्ता में आते तो उनका आर्थिक विजन किस तरीके का होगा। लेकिन उनके बयानों में यही कारण है दोस्तों, कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट विशेषज्ञ भी राहुल गांधी के इस तरीके के अजीब विजन को शंका की नजर से देखते हैं। और इस बात का अंदाजा हमें इस चीज से भी नजर आता है कि जब इस बारी लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, कांग्रेस की मजबूत होती हुई स्थितियों को देखते हुए भारतीय शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। साथ ही कई सारे विशेषज्ञों ने इस बात का खुलासा किया कि एक ही दिन में इस बात के बाहर आने से भारतीय शेयर मार्केट में 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों, आखिर में सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी की ही सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, और इस तरीके की स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से भरोसा बढ़ा और निवेशकों का भरोसा भारत के ऊपर फिर से बढ़ा और भारतीय शेयर मार्केट वापस से रिकवर करने लगा। यानी कि दोस्तों, एक तरीके से इस तरीके की न्यूज निकलने से कि भारतीय जो प्रतिपक्ष है वो सत्ता में आने वाला है, भारतीय शेयर मार्केट गिर गया, और इस तरीके की घटनाक्रम के होने के बाद भी राहुल गांधी उन ताकतों के साथ खड़े रहे जो भारत के शेयर मार्केट को लगातार क्रैश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार हैं, कमेंट्स कर अपने अवेलेबल विचार जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।